कहाँ से आई हो? अहमदाबाद से। क्या समस्या लेके आई हो? मेरे बेटे के समस्या है। क्या हो गया? मेरा बेटा है प्रेम, जैसे हम लड़की देखे थे पहले तो हम लोग को पसंद नहीं, उसके परिवार पसंद नहीं है, तो पर माने उसके घर में अच्छे लोग नहीं है, पता चला हमको बाद में। किसके? लड़की के। तो हम नाम बोल दिए। तो आप नहीं चाहते शादी हो? नहीं। तो वो लड़की को नाम बता सकती हो? हाँ, रचना नाम। जाति क्या है उसकी? प्रजापति है, मेरे समाज के। अच्छा, हमने लिखा, पढ़ो क्या लिखा। महाराज, हम पढ़े नहीं हूँ। ये क्या लिखा है? शादी करना चाहता है। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा शादी करना चाहता है? कहाँ लिखा? जबरदस्ती झूठी पढ़ रही हो? मेरे को आता नहीं महाराज। तुमने कैसे पढ़ लिया शादी करना चाहता है? मैं बोल रही हूँ शादी करना जैसे मेरा लड़का चाहता है। नहीं, गलत क्यों पढ़ रही? नहीं है तो मना कर दो। हम जो क्या, ये क्या लिखा है? नहीं महाराज, मैं नहीं पढ़ी हूँ। तो हमने लिखा है ये हा है, आ पे बड़ी की मात्रा है, राय पहली लाइन है, ऊपर की सबसे फर्स्ट दिख रही है। हीरावती प्रजापति, पति राधेश्याम, ससुर का नाम मोतीलाल, सासू का नाम बंसराम, आपके बालक का लव चल रहा है, रचना से प्रेम प्रसंग में फंसा है, ठीक है, और राजा बाबू आपके लड़का का नाम है। बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ महाराज। हाँ। क्या आपने ये जानकारी किसी को बताई थी? नहीं, किसी के नहीं। किसी कंप्यूटर वाले ने? कुछ भी। किसी नहीं। गाड़ी वाले ने? कुछ भी। दरबार में किसी ने? नहीं। हमारे यहाँ कोई जानकारी नहीं लेता, ये पंडुका सरकार की बात है, इसलिए दिल में घुसती है और इसलिए लोग यहाँ महीनों इंतजार करते हैं। जाओ, तुम्हारे लड़का की शादी वहाँ होना हाल में असंभव है, क्योंकि लड़का तो शादी वहीं करना चाहता है। 1% में शादी कर सकता है, 99% नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी भी बहन, रचना की बहन भी इसी प्रकार से परेशान होकर के घरे बैठी है। हाँ, सही बात महाराज। छोड़ छाड़ के। हाँ, सही। बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ महाराज, सही बात है, सही बात है। और इस मंत्र को 108 बार करना है जो मैं लिख के दे रहा हूँ। हाँ महाराज, ठीक है। हाँ। पर्चा इसलिए इसकी मैं पहले दिखा रहा हूँ। हाँ। आप देख पा रहे हो क्योंकि यहाँ तो इतने कैमरे लगे हैं कि एक एक शब्द जाता है। सो हनुमान जी कृपा से समाधान होगा, आशीर्वाद। उसकी फोटो और नीम पर बंधन कर देना, पंडुका सरकार के पास में नीम का वृक्ष है। सो उच्चाटन हो जाएगा और बच्चे को सद्बुद्धि आ जाएगी, और नहीं मानेगा तो रोता रहे। लो जाओ, बोलो क्या पूछना चाहते हो। गुरुदेव, कहाँ से आए हो? गुरुदेव, मैं जबलपुर से आया हूँ। अच्छा, मेरे को 5 साल की सजा हो गई है मेरे परिवार में, मेरे को, पत्नी को, लड़के को और एक और चंदन तिवारी को। क्यों हो गई सजा? जी, जमीन पैसे हो गई है, मेरे को मारा पीटा है। किसने? मेरे बड़े भाई ने। बड़े भाई का नाम? बड़े भाई का बसंत। और जमीन में कब्जा किया है तो केस चल रहा है, तो उसका आदेश हो जाए गुरु जी मेरे पक्ष में। हमने ये लिखा है, सुने, पढ़िए। आप पढ़े लिखे हो जी? क्या लिखा ऊपर? सुखदीन साहू, गुलाब बाई, बालक रामेश्वर उर्फ रंजीत, चंदन तिवारी, जमीन के विवाद में लिप्त। केस पक्ष में होगा? होगा। इसमें एक तिवारी ब्राह्मण भी है जी, जो आपको परेशान कर रहा है। घर के तो कर ही रहे हैं जी, साथ साथ एक तिवारी ब्राह्मण कुल का है जी, और चंदन नाम है जी, वो परेशान कर रहा है, जमीन पर अतिक्रमण वाद विवाद बनाए हुए हैं जी। बोलो हाँ या ना। जी। सो समाधान होगा, हनुमान जी पे आप तरफ को आशीर्वाद है जी। यदि आप नियम से करोगे जी तो 101% में कह सकता हूं कि सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है जी। यदि आप करो तो लाभ मिल जाएगा जी, करेंगे जी। करना आपको पड़ेगा जी, यदि नहीं करोगे तो हम उसमें कुछ कह नहीं सकते। करेंगे। इस मंत्र को 108 बार करिए जी। जी, ये मंत्र 108 बार करना है जी। ये पर्चा आपको विधिवत रूप से पालन में लाना है, हनुमान जी कृपा करेंगे जी। और चंदन से और परवा परजनों से ये वाद विवाद पक्ष में होगा, आशीर्वाद। इसमें परजन शब्द हमने लिखा नहीं, मौखात बोल रहा हूँ जी। चले जाइए, ये मंत्र 108 बार करना है, 3 रामायण, 3 दिन गावन, 3 नायबंधन करना।